કોરોનાની મહામારી વચ્ચે 5000 જેટલા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વિતરણ કરવા માટે કોંગ્રેસે આક્ષેપો કર્યા બાદ કોંગ્રેસના પરેશ ધાનાણી દ્વારા હાઈકોર્ટમાં સીઆર પાટીલ વિરુદ્ધ પિટિશન કરી હતી। राज्य कोरोना की महामारी में सपड़ायू है। हॉस्पिटल में दर्दियों ने बेड मेळवामां मुश्किल पड़ी रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेवा माटे पाछला अमुक दिवसों थी जेड्स हॉस्पिटल बाहर लोगों ने लाइनों लागी थी। आ वच्चे सूरत में सीआर पाटिले 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करी आपी थी। एवामां मुख्यमंत्री रूपाणीए शनिवारे प्रेस कॉन्फरेंस में जणाव्युं हतुं कि सीआर पाटिले इंजेक्शन की व्यवस्था क्यांथी करी ए विषे तमने पूछो। सरकार में एक पण इंजेक्शन अपायू नहीं। तेमणे कह्यु गुवाहाटी थी जे आवी रह्यु छे एनी साथे सरकार ने कहीं लागतु वळगतु नहीं। गुजरात में हाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अछत सर्जाई छे। आ दरमियान भाजपा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिले सूरत में 5000 इंजेक्शन वितरण कर्यु हतु। त्यारबाद भाजप द्वारा वहेंचता इंजेक्शन सामे कांग्रेस अनेक सवाल उठावे। सांसद अने भाजप प्रदेश सी आर पाटिल सामे इंजेक्शन की वहेंचणी बाबते फौजदारी भंग अने सरकार जाहेरनामा भंग बदल गुनो नोंधवा मांग करी छे। त्यारे आजे कांग्रेसना पूर्व विपक्षना नेता परेश धानाणीए रेमडेसिविर इंजेक्शन खोटी रीते वितरण करवा अंगे भाजपना प्रमुख सी आर पाटिल विरुद्ध हाईकोर्ट में पिटिशन दाखल करी छे।